लेकिन कुछ भ्रष्टाचारी हैं, कुछ जमानत पर छूटे हुए लोग हैं और कुछ इस देश के लुटेरे हैं जो 26 दल इकट्ठा करके ये साबित करना चाहते हैं कि हम ही इंडिया। खासतौर से माननीय योगी जी तो अच्छे से इलाज करते हैं, तो अभी वो चल रहा है एटीएस के और एसटीएफ पूरी लगी हुई है इलाज करने में, इलाज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कल को सचिन के घर पे भी बुलडोजर एक्शन होने वाला है। अरे भाई, अब जासूस निकलेंगे तो बुलडोजर ही नहीं, वो कहाँ चले जाएंगे उनको कुछ नहीं पता होगा। आप जब ये हारेंगे तो देश में ये मैसेज नहीं, विश्व में मैसेज आया इंडिया हार गया। ये जान रहे हैं कि इंडिया को हारना है, ये जान रहे हैं कि जमानत जब्त हो गया इंडिया का, तो ये खुद ही ऐसे नाम का चुनाव कर रहे हैं जिससे देश की बदनामी हो। नमस्कार, मैं प्रीतेश सिंह और न्यूज 18 डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे शो में। धन्यवाद। अभी विपक्षी एकता के तौर पर इंडिया जो अभी एक नई अलायंस बनी है, इस पर आपकी क्या राय है और वो कितना एनडीए को टक्कर दे पाएगी? देखिए, यह देश 140 करोड़ से मिलके बना है। इस देश में स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे हमारे सैनिक साथी हो, चाहे हमारे जितने भी क्रांतिकारी राजनेता हैं, इस देश को आजादी दिलाने में उस तिरंगे के लिए बहुत कुर्बानी दिया। लेकिन कुछ भ्रष्टाचारी हैं, कुछ जमानत पर छूटे हुए लोग हैं और कुछ इस देश के लुटेरे हैं जो 26 दल इकट्ठा करके ये साबित करना चाहते हैं कि हम ही इंडिया। वो अपने आप को इंडिया साबित करने में लगे हुए हैं और देश की जनता इनके इंडिया को अच्छे तरीके से देख चुकी है, चाहे वो ममता बनर्जी जी हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे केजरीवाल साहब हो, सबके विचारधाराएं अलग अलग हैं और सबके राज्य की समस्याएं अलग अलग। जब पटना में बैठक हुई तो इन लोगों ने योजना बनाया कि हम इस देश में मोदी जी को हटाएंगे, और हटाने के लिए जब लीडर चुनने का समय आया कि हमारा नेतृत्व कौन करेगा, तो वहां नेतृत्व करता ही गायब हुआ। कहेंगे दूसरे नंबर की कांग्रेस पार्टी है, वहां कांग्रेस पंजाब में कैसे सामंजस्य बनाएगी, सीट का बंटवारा कैसे करेगी। तो इसमें देखिए, बिना दूल्हे की बारात ये चल रही है। अब जी अभी जैसे कि SBSP NDA में जुड़ने का हो रहा है और 38 दल के लिए भी अभी एक मीम बना के इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पेजेस पे डाले थे, तो काफी लोग वहां पे तर्क ये दे रहे थे कि इसके पीछे बीजेपी ने या फिर कहें NDA ने ED और किसी चीज का डर दिखा के सुभाषपा को अपने दल में शामिल किया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम ED और CBI IT से नहीं डरते हैं। हम सभी लोग जो समाज के गरीब हैं, कमजोर हैं, पिछड़े हैं, दलित आदिवासी हैं, बस जितने भी उपेक्षित शोषित वर्ग हैं, हम उनको न्याय दिलाने के लिए, सामाजिक न्याय के साथ विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जिन लोगों को ये लग रहा है कि अब तो हमारे साथ पिछड़ा नहीं आएगा, दलित नहीं आएगा, अल्पसंख्यक नहीं आएगा, गरीब नहीं खड़ा होगा, वो लोग एक झुंड बना रहे हैं। वो झुंड बना करके हमसे मुकाबला करना चाहते हैं कि हम खुले पहुंच जाते हैं। तो ये लोग डरे हुए लोग हैं और यही डरे हुए लोग ED CBI का बार बार नाम लेते हैं, क्योंकि अगर आप गलत नहीं है तो आपको ED CBI से नहीं डरना चाहिए, लेकिन आप गलत हैं। देश की जनता यह मान रही है कि नहीं, आपने भ्रष्टाचार किया है, आपने लूटपाट किया है, तो लूटपाट करने वालों को एजेंसियां अगर जांच कर जाएगा, जो भ्रष्टाचारी और साथ खड़ा होगा वो देश को बर्बादी की तरफ ले जाएंगे। अभी इंडिया जो नेम रखा गया है विपक्ष के द्वारा, क्या आपको लगता है ये NDA को डेंट कर पाएगा? क्योंकि हर जगह मोदी जी जाते हैं इंडिया का नाम लेते हैं, या फिर हर कोई जो देश में बात करता है वो इंडिया का नाम लेता है, तो क्या ये नाम ही सिर्फ बीजेपी या NDA को ज्यादा डेंट नहीं कर देगा? देखिए, जिनका पहले से पुराना ईस्ट इंडिया कंपनी से पुराना रिश्ता रहा है, अंग्रेजों से पहले पुराना रिश्ता रहा है, और जो अंग्रेजों के विचारधाराओं पर जो लोग चलते हैं, उन लोगों को विपक्ष ने इसीलिए इंडिया नाम रखा कि कम से कम आप जब ये हारेंगे तो देश में ये मैसेज नहीं, विश्व में मैसेज आया इंडिया हार गया। ये जान रहे हैं कि इंडिया को हारना है, ये जान रहे हैं कि जमानत जब्त हो गया इंडिया का, तो ये खुद ही ऐसे नाम का चुनाव कर रहे हैं जिससे देश की बदनामी हो, राष्ट्र का बदनामी हो।
विदेशों में हमारा शिक्षा लेदर हो, इसलिए जो हमारा संघ है, देखिए संविधान में किसी भी देश का नाम का इस्तेमाल कोई भी राजनीतिक दल नहीं करने का अधिकार है, लेकिन कुछ राजनेता ऐसे हैं जो विदेश से उनका रास्ता रहा है, जैसे वो चीन में जाते हैं तो कहते हैं कि चीन में सद्भावना हमको अच्छा लगता है, तो सबसे पहले उसको नाम रखने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि मैं नाम किस बात का रख रहा हूँ। कल के डेट में जान रहे हैं कि एनडीए जब बहुत बहुमत से जीतेगा तो फिर जब इंडिया हारेगा तो बदनामी किसकी होगी, देश की बदनामी होगी, तो ये देश की बदनामी कराने वाले नेता, ये खुद ही इस देश के राजनीति करने वाले लोग चाहते हैं कि देश की बदनामी हो, लेकिन हम लोग देश की बदनामी नहीं होने देंगे, देश को आगे ले जाने के लिए ऐसे लोगों को इस देश के सामने बेनकाब बराबर करते रहेंगे। हैदर को लेकर जो आपने देखा होगा कि वो पाकिस्तान से महिला आई और भारत में शरणार्थी बनना चाहती है, और उन्होंने अभी कल राष्ट्रपति को एक पत्र भी लिख दिया है। तो सीमा हैदर को लेके अभी क्या है सरकार की नीति और वो क्या स्टेप लेने वाले, इस पे कुछ आप अपनी राय दे सकते हैं? देखिए सरकार सरकार अपना कार्य कर रही है, एजेंसी अपना कार्य कर रही है, एटीएस ने जांच किया, जांच में जिस तरह से पूछताछ का क्रम चल रहा है, सरकार और एजेंसी को लग जाएगा कि नहीं हाँ ये गलत नहीं है, हो सकता है किसी विषय पर आई हो, उसमें ये जांच का विषय, जांच हो रही है, जैसा जांच पूरा होने के बाद सरकार को जिस तरह कठोर निर्णय लेना होगा, जिस तरह का निर्णय लेना होगा वो लिया जाएगा, लेकिन अभी इसकी जांच प्रक्रिया चल रही, जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इस पे कुछ कहना ठीक रहेगा। तो हम मतलब मान के चल सकते हैं कि अगर सीमा गलत निकलती है तो पाकिस्तान वापस जाएंगे। अब भाई गलत देश में, हमारे देश में अगर कोई भी गलत करने के लिए आएगा तो उसको तो सजा मिलेगी ही, और हमारे सरकार इसलिए प्रतिबद्ध भी है कि कोई भी अगर गलत करेगा तो उसका इलाज भी इस देश में भी होगा बाकायदे से, और खास तौर से माननीय योगी जी तो अच्छे से इलाज करते हैं, तो अभी वो चल रहा है एटीएस के और एसटीएफ पूरी लगी हुई है इलाज करने में, इलाज हो जाएगा, लगेगा कि नहीं ये जासूस है तो जासूस का इलाज भी उत्तर प्रदेश में अच्छे से होता है। तो इसका मतलब है कि कल को सचिन के घर पे भी बुलडोजर एक्शन होने वाला। अरे भाई अब जासूस निकलेंगे तो बुलडोजर ही नहीं, वो कहाँ चले जाएंगे उनको कुछ नहीं पता होगा। जी बिल्कुल। अभी एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है मणिपुर का लेकर, जिसपे काफी सारा विवाद भी छिड़ा हुआ है। तो मणिपुर वायलेंस को लेके अभी एनडीए की क्या रणनीति होगी, क्योंकि विपक्ष इस पे बहुत हमलावर है। देखिए विपक्ष खाली एक जगह देख रहा है, बंगाल में भी उस तरह की हरकत हुई है, छत्तीसगढ़ में भी उस तरह की हरकत हुई है, मध्य बिल्कुल प्रदेश में भी हुई है, राजस्थान में हुई है, लेकिन विपक्ष अपनी कमजोरी छुपाने के लिए उसको सिर्फ एक जगह की चीजें ज्यादा दिखाए। हाँ हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, अगर वहां के लोगों ने इस तरह की घटनाएं की है ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है, इस तरह की घटना देश में नहीं होनी चाहिए, हर देश के हर नागरिक का सम्मान है, और खास तौर से महिलाओं के साथ अगर कोई अभद्रता करता इस तरह के करता है तो हमारी सरकार उसके प्रति कठोर कार्रवाई कर रही है, और उसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जांच चल रही है, और जो भी लोग इस तरह के कटघरे में खड़े होंगे ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, आने वाले समय में इतिहास बनेगा कि जिन लोगों ने इस तरह की हरकत किया है आने वाले समय में दोबारा कोई उस तरह का हरकत करने की हिम्मत नहीं जुटाएगा, और सरकार वहां की जो वर्तमान मौजूदा सरकार है उसको भी गंभीर होना पड़ेगा, लंबे समय से घटनाएं वहां हो रही हैं, जाति हिंसा हो रही है, तो जिन मुद्दों को लेकर जाति हिंसा हो रही है उन मुद्दों पर अपना बैठ करके आपसी सहमति बना करके उस पर आगे कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतः किया है कि कोई भी बचेगा नहीं, किसी के साथ अन्याय होने नहीं दिया जाएगा, न्याय सबके साथ होगा। तो अभी 2024 इलेक्शन को लेकर काफी चल रहा है, जिस पर विपक्ष कहता है कि बीजेपी जिसके साथ भी छोटी दल के साथ गठबंधन करती है उसे खत्म कर देती है धीरे धीरे। तो क्या लगता है आपको विपक्ष की इस बात पे कितनी सच्चाई है? देखिए विपक्ष खुद खत्म हो चुका है, विपक्ष के पास कोई बचा नहीं है, तो जिसका जनाधार खत्म हो चुका है तो वो खाली दूसरे के ऊपर उंगली उठाएंगे, हम तो कह रहे हैं कि पूरे देश की जनता या प्रदेश की जनता छोटे से ही बड़ी बनाती है, जनता ही वोट देती है, तो जो लोग भी आज सबको छोटा आंक रहे हैं उनके सामने आने वाले समय में बड़े होंगे, लेकिन उन लोगों को यही बात समझ नहीं आ रही है कि कोई भी अति पिछड़ा कभी नेता न बने, कोई भी दलित नेता न पैदा हो, कोई भी मुसलमान लीडर ना बने, कोई आदिवासी लीडर ना बने, तो जो लोग अपना जागीर समझते हैं कि नहीं हाँ ये हमारे हैं हमारे ही रहेंगे,
तो ये जीवन में, ये राजनीति में परिवर्तन होता रहता है। राजनीति में सभी लोग अपने अपने हिसाब से समाज को जगाते रहते हैं। तो जिन लोगों को ये लग रहा है कि छोटे लोग छोटे ही बड़ा धमाल करते हैं, अगर हम लोग 2022 में श्री अखिलेश यादव जी साथ नहीं रहते तो पूर्वांचल में गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, बस्ती, तमाम मऊ, ये सब जिलों में आप उठाकर देखेंगे खाता नहीं खुला है भाजपा का। तो कहीं ना कहीं छोटे दलों में ये आधार जनाधार लोगों के समर्थन रहा है, इसलिए ताकत रही है। तो आने वाले समयों में जिनको लग रहा है मेरा जनाधार अब नहीं बचा है, तो बस इसी तरह से बोल करके अपने जीवन को चला रहे हैं, अपनी पार्टी को जिंदा करके रखना चाहते हैं। अब धीरे धीरे वो समाप्त की तरफ चले जाएंगे। अब आने वाले दलों में दिनों में छोटे दल ही बड़े दल बन के रहेंगे। तो अरुण जी, अभी आपने देखा होगा कि काफी सारे विवाद चल रही सीटों के बंटवारे को लेकर। तो क्या उत्तर प्रदेश में जो होने वाले उपचुनाव हैं, जो इस साल होंगे कुछ, तो क्या इस पे सुभाषपा को कुछ सीटें मिलने वाली है, एनडीए देगी? अब उपचुनाव होगा तो लड़ा ही जाएगा। अगर उपचुनाव होगा, सीटों को लेकर के फैसला होगा, तो ये तो पार्टी का जिम्मेदार पर्सन तय करेंगे, फिर एनडीए के तय करेंगे कि किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना है। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लोकसभा इलेक्शन के लिए, और फिर जल्द मिलते हैं सब। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।